वह सीएम चंपई सोरेन का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि निजी काम से दिल्ली आया हूं। चंपई सोरेन का यह बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बेटी से मिलने दिल्ली आया हूं, मैं जहां पर था वही हूं, मेरा दिल्ली आना किसी राजनीतिक कार्यक्रम का हिस्सा नहीं। दरअसल बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच पूर्व सीएम चंपई सोरेन दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आप लोग हमसे जो भी पूछ रहे हैं उनका एक ही जवाब है कि मैं निजी काम से दिल्ली आया हुआ हूं। मैं दिल्ली में अपनी बेटी से मुलाकात करूंगा, मेरा दिल्ली आना किसी राजनीतिक कार्यक्रम का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है और ना ही मेरी मुलाकात किसी बीजेपी की राजनीतिक शख्सियत से हुई है। मैं पहले जहां था आज भी अभी वही हूं। और चंपई सोरेन का यह बड़ा बयान सामने आया। दरअसल पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई थी और इस बीच अब झारखंड में सियासी उठाव पत्रक भी देखने को मिल रहा था। इस दौरान चंपई सोरेन दिल्ली पहुंचे और लगातार बयानबाजियों के बीच चंपई सोरेन का यह बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं अपने निजी कार्य को लेकर दिल्ली पहुंचा हूं और मैं जहां था वही हूँ, मैं पहले जहाँ था आज भी वही हूँ। और उन्होंने कहा कि मेरा दिल्ली आना किसी भी राजनीतिक शख्सियत से मिलना बिल्कुल भी नहीं है, मैं यहाँ अपनी बेटी से मुलाकात करने आया हूँ। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सूरज, चंपई सोरेन जब दिल्ली पहुंचे तो लगातार देखा गया कि सियासी हलचल तेज हो गई थी और बयानबाजियों का भी बाजार गर्म हो गया था, लेकिन इस बीच उन्होंने बड़ा बयान देकर उन्होंने कह दिया है कि मैं सिर्फ यहाँ पर एक निजी कार्य से दिल्ली पहुंचा हूँ। देखिए, फिलहाल चंपई सोरेन जो भी बयान दे, लेकिन जो ताजा तस्वीर जो अभी इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर देखी गई है, चंपई सोरेन एयरपोर्ट से निकलते हैं, जब मीडिया वालों का जब सवाल होती है कि भाई आप बीजेपी में क्या शामिल होना होने के लिए आए हैं, तो उनका साफ ये जवाब होता है कि नहीं, मैं निजी कार्य से आया हूं, मेरी बेटी यहीं पर रहती है, मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए आया हूं, फिलहाल मैं जहां था वहीं पर हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है नैना कि चंपई सोरेन के दोनों बेटे फिलहाल दिल्ली में पिछले दो दिनों से झारखंड भवन में ठहरे हुए हैं। पिछले दो दिनों के अंदर भाजपा के कई बड़े नेताओं से उनकी बेटी ने मुलाकात करी है, यानी कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी पूरी तरह से सेट हो चुकी है। और आपने देखा कि चंपई सोरेन के निजी सचिव चंचल वो भी दिल्ली में थे, दिल्ली से वो रांची पहुंचे और रांची में चंपई सोरेन से लोबिन हेमरम की कल देर शाम रांची के मोरवादी स्थित आवास में उन्होंने मुलाकात कराई। उसके बाद चंचल और जो हेमंत बसंत चंपई के जो निजी सचिव है दोनों मिलकर जमशेदपुर के लिए निकलते हैं, फिर वहां से कलकत्ता और कलकत्ता से डायरेक्ट आज दिल्ली पहुंचते हैं। तो जो स्ट्रैटजी है, जो समीकरण है और जो भी खाका है, रोड मैप है, वो पहले से तैयार हो चुकी है, ये सिर्फ अभी बयानबाजी है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि फिलहाल अब भी चंपई सोरेन दिल्ली में बड़े नेताओं के संपर्क में है, उनके दोनों बेटों ने पूरी तरह से स्ट्रैटजी तैयार कर ली है और हेमंत बसंत चंपई सोरेन के बेटे ने भाजपा के कई बड़े नेताओं से मुलाकात करी है। तो यानी कह सकते हैं कि जो रोड मैप है वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि कभी भी किसी भी वक्त चंपई सोरेन भाजपा के जो हेड ऑफिस है वहां पर जाएंगे और वहां पे पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है सूरज, लेकिन अब ऐसे में आपने कहा कि वो कभी भी किसी भी वक्त बीजेपी कार्यालय में जाएंगे और यहाँ पर देखा जाएगा कि वो सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में इस जोड़ तोड़ से जेएमएम और बीजेपी को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान संभव है, और खासकर तब जब भाजपा हाल में सरकार गिराने की कई नाकाम कोशिशें भी कर चुकी है और इसके बाद अब एक बार चंपई सोरेन को भी लेकर भाजपा ताबड़तोड़ कोशिश करती हुई नजर आ रही है। देखिए, चंपई सोरेन अगर भाजपा में शामिल है तो जाहिर सी बात है चंपई सोरेन के साथ साथ कुल्हान के कई विधायकों का नाम आ रहा है। इसके अलावा एक संथाल प्रगना के विधायक लोबिन हेमरम का भी नाम आ रहा है, तोरपा विधायक पोलू सुरीन का नाम आ रहा, तो ऐसे कई विधायक, माफ कीजिएगा, चमरा लिंडा का नाम आ रहा है, तो ऐसे कई विधायक है जो चंपई सोरेन के संपर्क में है। और आपने देखा कि जो हाल के दिनों में जो राजनीति समीकरण जो उठापटक सामने देखने को मिली, चंपई सोरेन की जो नाराजगी देखने को मिली थी, ऐसे कुल्हान के कई विधायक हेमंत सोरेन के जो कार्यशैली रहे हैं, जब मुख्यमंत्री के पद से चंपई को हटाया गया, फिर मुख्यमंत्री के पद पर हेमंत सोरेन काबिज हुए, तो कई विधायकों की नाराजगी सामने आई थी। हालांकि खुलकर वो नहीं बोले, लेकिन कल कुल्हान के जनता, कुल्हान के कार्यकर्ता और वहां के विधायकों के अंदर नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही थी। तो जाहिर सी बात है कि कई विधायक ऐसे टूट कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन जहां तक आपने पूछा कि जेएमएम को क्या फायदा हो सकता है और बीजेपी को क्या, तो मैं आपको बता दूं कि दो महीने के बाद झारखंड में असेंबली इलेक्शन है और असेंबली
इलेक्शन में अगर चंपई सोरेन बीजेपी में अगर शामिल होते हैं तो कोल्हान सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है, क्योंकि कोल्हान में जेएमएम का गढ़ रहा है, जो जेएमएम की ज्यादा 14 में से सबसे ज्यादा जो विधायक है वो कोल्हान में ही है। तो ऐसे स्थिति में कोल्हान के जितने भी विधायक है, कोल्हान के जितने भी कार्यकर्ता हैं, निश्चित तौर पर वो उसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे। इसके अलावा संथाल के कुछ विधायक शामिल होने की बातें आ रही, तो संथाल से भी कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा हो सकता है। हाँ, तो लेकिन ठीक है सूरज, जिस तरह से आपने जिक्र किया संथाल और कोल्हान को लेकर कि बीजेपी पर बड़ा असर पड़ेगा और बीजेपी को कहीं ना कहीं इसका फायदा देखने को मिलेगा, और चुनाव से ठीक पहले ऐसा करने से भाजपा की छवि पर क्या असर पड़ेगा, क्या वह अपने फायदे से ज्यादा हेमंत सरकार को कमजोर करने की पूरी रणनीति पर काम कर रही है? सूरज, देखिए राजनीति में पक्ष और विपक्ष की एक अहम भूमिका होती है, और झारखंड में विपक्ष के तौर पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी है और सत्ता पक्ष पर हेमंत सोरेन की सरकार है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी पार्टी चाहती है कि वो उस स्टेज पर, वो अपने प्रदेश पर काबिज हो, वहां पर अपनी सरकार बनाए और अपनी दबदबा बनाए। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं डायमोज कंट्रोल हो सकता है, और ऐसी स्थिति में इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, और कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा कह सकते हैं कि ये बीजेपी की सेंध मारी है। क्योंकि चंपई सोरेन का बड़े और कद्दावर नेता है, शिबू सोरेन के बहुत करीबी है, अनुभवी व्यक्ति हैं, पिछले 1990 से लगातार वो जीतते आए हैं, इससे पहले भी कई बार वो मंत्री भी रह चुके हैं, मुख्यमंत्री का भी सफर उन्होंने 5 महीना तय किया है, और 5 महीने कार्यकाल उनका काफी साफ सुथरी रही। और आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता है, चाहे शिवराज सिंह चौहान की बात कर ले या फिर हेमंता बिस्व शर्मा की बात कर ले, तो लगातार उनकी तारीफें करते वो आए हैं। हाँ, ठीक है सूरज, अब देखना होगा कि यह बहुत बड़ा फैसला है चंपई सोरेन के लिए, और झारखंड के टाइगर कहे जाने वाले चंपई सोरेन अब फैसला करते, इसके बाद देखना होगा कि क्या कुछ इस राजनीतिक पर पूरा असर देखने को मिलेगा। ऐसे में तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सूरज। एक मिनट चुप। जी सर, जी सर, हमारा बच्ची रहता है, उससे देखने के लिए आए जी। हाँ, तमाम जो बातें चल रही हैं इसीलिए अपना निजी काम है, दिल्ली आना जाना होते रहता है, आज भी हम आए जी। हम जहाँ पर है वहीं पर है जी, जी। और अपना निजी काम है दिल्ली। लेकिन सर बीजेपी ज्वाइन करेंगे, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं, हाँ या ना सर, ये तो क्लियर कर सकते हैं आप? देखिए हमने बोल दिया जहाँ पर अभी है वहीं पर है। न्याय मंत्री पद से हटाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक नाराज थे कि परिवारवाद को खत्म करके चंपई सोरेन आ गए हैं, अब उन्हें हटाया जा रहा, बड़े नेता हैं आदिवासी, बड़े नेता हैं आदिवासी, आपको हटाया गया, क्या आपकी नाराजगी है हेमंत सोरेन से या जेएमएम से? आपको लगता है कि नहीं हटाना चाहिए था, चुनाव आपके उसमें होना चाहिए था? जी सर, आप लोग जैसे हमको सवाल करते जा रहे हैं ना। जी सर, आप मुझे क्या कहेंगे? अरे चुप, हम यहाँ पर हम पैसा कलकत्ता आप गए थे, शुभेंदु जी से मुलाकात हुई आपकी? ये नहीं, हम अभी किसी से मुलाकात नहीं, बीजेपी से मुलाकात का टाइम है, बीजेपी के नेताओं से मिलेंगे, कार्यक्रम में हम नहीं पढ़ना है, कार्यक्रम मनाने का। कलकत्ता आप गए, कलकत्ता आप किस लिए गए थे? चलिए दिल्ली तो आप निजी काम से आ गए, कलकत्ता किस लिए गए थे? कलकत्ता से तो यहाँ आया। हाँ, वहाँ क्यों गए थे आप बताया जा रहा है, शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात हुई आपकी? अपना चंपई जी, एक आप ही मोर्चा में रहेंगे या आगे की बात हो सकती है, आप क्या रहेंगे? आप ऐसे ही सवाल करता है, हम बोल जहाँ पर आए वहीं पर हम आए।